हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आफियाज किचन। आज हम बनाएंगे मशरूम पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ा गुनगुना पानी, फिर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून शुगर। शुगर को हमें पानी में मिलाना है। ऐड करेंगे 1 टीस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट, इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे हमें ढककर साइड में 10 मिनट के लिए रखना है ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो। 10 मिनट बाद आप देख सकते हो ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। फिर ऐड करेंगे 200 ग्राम मैदा, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब्स, ये ऑप्शनल है। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो फॉर्म करना है। थोड़ा ऑयल डालना है और फिर इसे गूंदना है। इसे ढककर 1 से 2 घंटे तक वार्म प्लेस में रखना है। 2 घंटे बाद हम चेक करेंगे, डो साइज में डबल हो चुका है। इसे 1-2 मिनट तक हमें फिर गुनना है। एक बड़ा पेड़ा लेंगे, थोड़ा आटा डस्ट करेंगे, इसे राउंड शेप में बेलना है। अब फोक से हमें इसे इस तरह प्रिक करना है। फिर जिस पैन में पिज्जा बनाना है उसमें ये रखेंगे। उसके बाद मेयोनीज पूरे बेस पे स्प्रेड करना है। फिर टमाटो केचप स्प्रेड करना है। फिर मोजरेला चीज डालना है। टॉपिंग्स के लिए मैंने ग्रीन कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम यूज किया है। आप कोई भी कलर का कैप्सिकम यूज कर सकते हो। थोड़े कॉर्न्स ऐड किया है। फिर थोड़े मशरूम ऐड करना है। थोड़ा नमक, थोड़ा चिली फ्लेक्स, थोड़ा मिक्स हर्ब्स। फिर से हम मोजरेला चीज डालेंगे। मैंने थोड़ा चीज डाला है, आप चाहे तो ज्यादा डाल सकते हो। इसे ढककर लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट तक पकाना है। 40 मिनट बाद हम चेक करेंगे पिज्जा। हमारा पिज्जा पक चुका है। इसे ढक कर 2 मिनट तक ऐसे ही रखना है।